हम बिना कैनवस के आज पेपर से ट्राई करने वाले हैं डिज़ाइन बनाना। और गाइस ट्रस्ट मी, जैसा कैनवस फिनिशिंग देता है वैसे ही ये जो पेपर है वो देगा। ज़रूरी नहीं है कि हर डिज़ाइन में हम कैनवस ही डालें, अगर कैनवस बाय चांस ख़त्म भी हो जाए ना तो आप कभी कवर पेपर का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पेपर को फोल्ड करके मैंने अच्छे से नीचे की ओर निशान लगा लिया है और ब्लाउज को भी मैंने फोल्ड कर लिया था। ये देखिए सेंटर में भी मैंने निशान लगा लिया है कुछ इस तरह से, और ये जो निशान लगा रही हूँ मैं की हेल्प से उसके नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट हो जाएगा, यानी कि सिलाई में दब जाएगा। मैंने ना थोड़ा सा इस तरह से राउंड शेप दे दिया है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब हम क्या करेंगे, चारों तरफ से सिलाई लगा के अच्छे से पैक कर लेंगे पेपर को। पेपर को पैक करके कोई भी कपड़ा ले लेना है जो आपको ठीक लगे और उस पर रखकर ऊपर की ओर सिलाई लगा लेना है। तो मैं गोल्डन कपड़ा लूँगी, दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है ऊपर की ओर। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कैंची की सहायता से कट कर लेंगे और छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे कुछ इस तरह से, ताकि अच्छे से पलट जाए। तो ये देखिए अच्छे से हमने छोटे छोटे नोचेस लगा लिए हैं। अब हम कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए आसानी से ईजिली फोल्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक सिलाई लगा लेंगे। जो भी मेरे बिगनर्स फ्रेंड है उनके पास अधिकतर कैनवास वगैरह ज़्यादा सुविधा नहीं होती है, तो आप इस तरह से शॉर्टकट ट्राई कर सकते हैं। तो हम ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ऊपर से सिलाई लगा ली मैंने कुछ इस तरह से, नीचे की ओर नहीं लगी है। चलिए अब नीचे की ओर भी लगा लेते हैं सिलाई। नीचे की ओर सिलाई करके मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया था। अब हम क्या करेंगे, कोई भी मैचिंग लेस ले लेंगे और इस तरह से लगा लेंगे। अगर आपके पास लेस नहीं हो तो आप गोल्डन लेस लेकर जो कपड़ा है आपका ब्लाउज का उससे मैचिंग इस तरह से ये झालर बना सकते हो। ये देखिए मैंने लगा ली है। अब नीचे की ओर मैं कोई भी लेस लगा लूँगी, मेरे पास गोल्डन लेस थी। आई नो कि गोल्डन में गोल्डन ज़्यादा सूट नहीं करता है, लेकिन मैंने लगा दी है। इस तरह का जो फ्लावर है आप सेंटर में अटैच कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हम इसे लास्ट में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पिनअप की थी उसे खोल लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए अच्छे से हमें सेंटर मिला लेना है कि हमारा जो सेंटर है वो कौन सा है। सेंटर पर मैंने थोड़ा सा निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें जहाँ तक डिज़ाइन चाहिए वहाँ तक हम इस तरह से डिज़ाइन इस तरह से निशान लगा लेंगे। हमेशा दो निशान लगाना है गाइस। अगर नीचे वाला निशान ज़्यादा हमें नीचे लगे तो हम वहाँ पे भी कैनवस लगा सकते हैं या फिर थोड़ा ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिए थे, इस तरह से मैं नीचे वाले निशान पर लगा लूँगी। तो आप अच्छे से सिलाई लगा लेना है, सेंटर से स्टार्ट करना है सिलाई हमेशा लगाना। तो ये देखिए आप झालर वाली लेस भी लगा सकते हो, बहुत प्यारी लगती है लगाने के बाद। अगर ये नहीं लगाना है तो आप सिंपल सी गोल्डन पतली सी लेस भी लगा सकते हो। तो मैंने बहुत सी लेस ट्राई की, कोई अच्छी लगी नहीं रही थी, तो ये लेस मुझे मिली है, थोड़ी बहुत अच्छी लग रही तो मैंने ये लगा दी। आप देख सकते हैं इस तरह से ट्राइंगल वाली जो लेस है वो मैंने लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की ओर अगर अच्छा लगे तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाने वाली हूँ। तो चलिए अब सेंटर में कोई थोड़ा बहुत बटन लगा कर थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं आप। फ्लावर मैंने जो पहले बताया वो भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह से बटन भी लगा सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना गाइस, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसा लगा पेपर वाली ट्रिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।